की तारीख 28 जनवरी 2023। तो वापस पिछले 2 साल भी ऑलरेडी जाके आए थे, बढ़िया जगह थे चलते चलते। तो पिछले अगर 2 साल की वीडियो नहीं देखते तो यहाँ अगर लिंक आ रही हो तो देख सकते हो आई बटन पे। तो आज फिर से हम जा रहे हैं वापस चल के बढ़िया। तो आज तारीख 5 ऐसे इस्लामिक, तो आज हम यहाँ से निकलेंगे। अभी जाना है हमको जमालपुर। तो बैग रेडी कर दिया है, सिर्फ काम की चीज़ें रखी है। तो फाइनली अभी टाइम हो गया 2:52 हो रही है और यहाँ से हम निकले हैं जमालपुर से। मैं सलमान और वारिस ने जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हम पहले 12 बजे निकलने वाले थे और पहले हम 12 बजे निकलने वाले थे और बाद में सलमान में कुछ काम आ गया तो भी नहीं आए। और अच्छा हुआ बारिश चालू हो गया था, 1 बजे बारिश आया। दादा बुखारी ओ मेरे दादा बुखारी, दादा बुखारी ओ मेरे दादा बुखारी। दादा बुखारी तेरी हो, दादा बुखारी तेरी बड़ी सरकार है। दादा बुखारी तेरी कितनी बड़ी सरकार है, दादा बुखारी तेरी कितनी बड़ी सरकार है, दादा बुखारी तेरी कितनी बड़ी सरकार है। शाहो सुल्तान भी तेरी, शाहो सुल्तान भी तेरी, शाहो सुल्तान भी तेरी चौखट के तलबगार है। दादा बुखारी तेरी कितनी बड़ी सरकार है, दादा बुखारी तेरी कितनी बड़ी सरकार है, दादा बुखारी तेरी कितनी बड़ी सरकार है। दादा बुखारी तेरी हो, दादा बुखारी तेरी। कहे सारी दुनिया के भड़िया दी दादा, कहे सारी दुनिया के भड़िया दी दादा, जरूरत से मंगतों को देता है ज्यादा, जरूरत से मंगतों को देता है ज्यादा। कहे सारी दुनिया के भड़िया दी दादा, जरूरत से मंगतों को देता है ज्यादा, जरूरत से मंगतों को देता है ज्यादा। तेरे ही करम से, तेरे ही करम से, हे हे,
दादा बुखारी तेरी कितनी बड़ी सरकार है। फाइनली भी मस्त नाश्ता हो गया, पेट फुल हो गया। क्या था सलमान भाई, एक नंबर था? एक नंबर। अब चाय भी लेंगे और अभी बज रहे छह, मुट्ठी खा लेते और ये मुट्ठी खा ले, मुट्ठी भी पवे थे, फुलवड़ी भी संभाल लिया और कचरे हम लोग कचरे में ला गए। कितने बजे तक चलते हैं? जैसे वहाँ दरगाह तक जाएंगे, टाइम हो गया था तो फुल नाश्ता हो गया भाई, दही था खाना वाना। यहाँ से चलते ये है यहाँ पे 2 बजे निकल रहा है। चाय लेंगे, चाय पियेंगे फिर कर। चाय ले सलमान को नाश्ता भी एक नंबर था, फूल हो गया। अभी चाय एकदम मस्के वाली है। फाइनली गाइस हम लोग अभी कुछ शाम के बज रहे 7:15 और अभी नवापुरा कोई गांव है वहां पे पहुंचे। यहां से सरोड़ा नदी है कुछ 8-9 किलोमीटर बाकी है, देखते हैं यहां से 8-9 किलोमीटर चलते हैं। फिर वहां से धोलका है 10 किलोमीटर और, तो अभी तो 7:15 ही हो रहा है, करीब 11 बजे तक तो वहां धोलका भी पहुँच जाएंगे। तो ट्राई करेंगे धोलके तक ही डायरेक्ट पहुँच जाए, वहीं पर जाके आराम करेंगे। तो अभी मतलब काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे और सिंगल पट्टी रोड है, तो देखते हैं कितना तक और टाइम जा रहा है। पर घर से निकलने के टाइम हमने बैग नहीं लिया था क्योंकि बारिश चालू हो गया था, तो फिर अभी कोई ना कोई वहीं से आएगा धोलके पे तो कोई लेके आएंगे। बाकी अगर बैग होता तो थोड़ा और स्पीड कम हो जाती, बैग नहीं है तो करीब हमने 3-3.5 घंटे के अंदर 22 या 23 किलोमीटर तक चल लिया है। टोटल धोलका 40 किलोमीटर था, तो भी काफ़ी नज़दीक है, पहुँच जाएंगे जल्दी। 3 घंटे और 11 बजे तक पहुंच जाएंगे धोल के। बाकी तो देखते बारिश के पीछे और हम लोग अभी आ गए और हम काफ़ी आगे निकल गए, तो आगे थोड़ी देर रुकेंगे फिर वो साथ में आएंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर साथ में चलेंगे, इस तरह से चल रहे। फाइनली भी बज रहे 8:35 और टाइम हो रहा है 8:35, 8:30 हो रहे हैं और सरोड़ा नदी पास पहुँचे। अब यहाँ से धोलका है 10 किलोमीटर और बारिश आ रहे हैं, वहाँ पर हम नाश्ता कर रहे हैं ममरे और चाय का।
यहीं पे वापिस पुलाव भी बट रहा था, पुलाव भी खा लिया, एक में तीन हो गए क्योंकि ममरे ज़्यादा खा लिया था तो पेट फुल हो गया, थोड़ा हल्का फुल्का और खा रहा बोला। तो फाइनल गया था कि सरोना नदी से निकले, आए थे तब 8:35 हो गई थी और अभी निकले 9:20 को, करीब 1.5 घंटा यहाँ पे बैठे आराम किया, नाश्ता करने के लिए बैठे थे लेकिन मुमरे के साथ साथ चाय पी ली, खाना हो गया, पुलाव हो गया, सब्जी रोटी भी हो गई और अभी निकल रहे हैं, अभी बज रहे 9:20 यहाँ से सरोना नदी से निकल रहे हैं। हवाएं भी नहीं चल रही है और हम जहाँ से निकले थे वटवा से, तो वटवा में करीब 2 से 3 बार बारिश हो गई है और हम चल रहे हैं, बाकी यहाँ पे एक बार बारिश आगे रास्तों में मिली है, काफ़ी जगह पानी भरा हुआ है, मतलब यहाँ बारिश हुई है लेकिन हाल फिलहाल अभी कोई बारिश हुई नहीं यहाँ पे, मतलब बारिश नहीं हो रही है, तो देखते कहाँ तक पहुँच रहे। अभी फ़ोन किया था घर पर तो अभी आधे एक घंटे बाद निकलेंगे वहाँ से। तो फाइनली भी हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम स्टॉप किया था पहले दिन पे मंदिर पास, वहाँ पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे मैदान में रुके थे लास्ट टाइम, वहाँ पे भी खाने का चल रहा है। फाइनली भी यही डिसाइड किया है यहाँ पे रुकना नहीं है, सीधा चलते जाएंगे दौड़ के, क्योंकि वो बैग लेके निकल चुके थे यहाँ पे जहाँ पे हमने फुलवड़ी और ओवे नाश्ता किया था वहाँ पे पहुंचे, शायद आधा से 1.5 घंटा लगेगा वहाँ तक, हम जितना खेत सके वहाँ तक निकल जाते हैं, यहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर है दौड़ का, तो वहाँ तक जाते हैं और 7-8 किलोमीटर मतलब कि और 2 या 2.5 घंटे और लगेंगे, 10:30 बज रहा है मतलब 12-12:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो फाइनली भी गाइस यहाँ पे दौड़ का 6 किलोमीटर बाकी है और 6 किलोमीटर पहले यहाँ पर रुक गए और सोच रहे हैं यहीं पर सोना है क्योंकि ठंड भी अब बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे 11:30 तो ठंड भी बढ़ रही है और यहाँ से 6 किलोमीटर और काटना थोड़ा हार्ड पड़ रहा है बोले, तो शांति से बोले सुबह ही निकलेंगे यहाँ पे रुके, यहाँ एक मंदिर है और यहाँ पे पास में बैठे भी देखते हैं, वहाँ सामने एक पार्टी प्लॉट है तो वहाँ पे सोएंगे, अभी आरिफ आ रहा है तो बैग वैग लेके आएगा तो सो जाएंगे वहीं पर। तो यहाँ पर हम रुके ले और ये हमारे भाई लेके आए बैग बराबर, और ये आरिफ भाई घंटी आरिफ भाई भी ले गया बैग वेग घंटी शेख। तो फाइनली अभी हमारा यहाँ पे स्टे हो चुका है, यहाँ पे आरिफ भाई ने बैग वेग लेके आए तो यहाँ पे बज रहे 12 बज रहे और यहाँ पे हमारे बिस्तर से लग गए, यहाँ पे आराम करेंगे थोड़ी देर, सुबह निकलेंगे। तो आरिफ भाई का शुक्रिया, आरिफ भाई का शुक्रिया, दादा का करम, बस एक ही चीज करेगा दादा का करम, हाँ बस जो है दादा का करम है। कई बज रहे सुबह के 5 और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 और यहाँ पे नींद तो नहीं आ रही, तो ठंड जाता है तो बारिश तो सो रहा है थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, बाकी देखते हैं यहाँ पे पहुँचे थे रात को 11:30-11:30 बजे के आसपास और अभी सुबह के 5 बजे थोड़ी देर आराम हुआ, 1-2 घंटे की नींद हुई है लेकिन यहाँ पे नहीं रुकना क्योंकि ठंड ज़्यादा लग रही है और बारिश से भी छुट्टे आ रहे हैं, तो यहाँ से जाएंगे 6 बजे तक यहाँ बैठे हैं, यहाँ अच्छी तापड़ी हो रही है तो 6 बजे बाद यहाँ से दौड़ के पहुँचेंगे, दौड़ के यहाँ निकल जाएंगे, वहाँ पर दौड़ के जाके थोड़ा आराम वहाँ करेंगे फिर देखें। तो बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट आगे के दिन आगे के ब्लॉग में दिखाएंगे, तो सब्सक्राइब करके चैनल को, मिलते हैं कोने ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।